हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मैजिक बाय अर्चना शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको छोले बनाने का ऐसा आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद आपको छोले बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपके छोले जल्दी से बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सीखते हैं कि आखिर ये छोले की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे। अब मैं छोले बनाऊँगी, इसके लिए मैंने यहाँ कुछ टमाटर, एक प्याज, चार हरी मिर्च, लहसुन और अदरक लिया है। इसे हम जार में डाल देंगे और पीस लेंगे। यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है, इसलिए मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। अब मैं थोड़ी हींग डाल रही हूँ। आधी चम्मच से कम हल्दी, आपको जितना तीखा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च डाल सकते हैं, धनिया पाउडर। ये मसाला मैंने घर पे ही बनाया था, इसमें मैंने इलायची, काली मिर्च, लौंग, तेजपाल के पत्ते सब डाल के पीस लिए थे क्योंकि घर के मसाले का एक अलग ही टेस्ट होता है। अब इसमें कलर थोड़ा अच्छा है इसलिए मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दी है। अब जो पहले हमने जार में डाल के पीस लिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। थोड़ा चाट मसाला, एक चम्मच देसी घी, आप देख सकते हैं अब इसमें कितना अच्छा कलर आ रहा है। अब इसमें मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रात को ये छोले भिगो के रख लिए थे और बाद में इन्हें बॉईल कर लिया था, तो आप देख सकते हैं छोले कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोले आपके इतने ही सॉफ्ट होने चाहिए। और साथ में ये छोले का पानी है, जब मैंने छोले बॉईल किए थे तो उसमें जो पानी बचता है ये वही है। इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोले में। जब आपका मसाला भी ऐसे ही ऑयल छोड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छे से बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम अपने बॉयल्ड छोले डाल देंगे।
अब जो छोले का पानी था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं एक चम्मच इमली का पेस्ट डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप ये सोचिए, इसमें हमने अभी तक एक चीज नहीं डाली है जो कि सब खानों में पड़ती है। आप सही सोच रहे हैं, वो है नमक। तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो देखिए, हमारे छोले बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी कुछ इसी तरीके से इन छोलों को बना सकते हैं, आपको ये काफ़ी पसंद आएंगे। तो इसे अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।